केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लाखों जवानों के लिए बड़ी राहत है। देश भर के 24,000 अस्पतालों में करा सकेंगे कैशलेस इलाज। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए। तो खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के तहत आने वाले 7 बलों के जवानों व उनके परिजनों को 35 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का कार्य पूरा कर लिया है। इसके तहत वो देश भर के 24,000 अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को यह जानकारी दी। असम राइफल्स, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और NSG के जवानों को अंतिम 10 कार्ड देने के बाद राय ने कहा कि इस योजना के तहत खर्च की कोई सीमा नहीं है और जवान और उसके परिजन 24,000 अस्पतालों में मुफ्त यानी कि कैशलेस इलाज करा सकेंगे। CAPF के जवानों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य की देखभाल मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शौर्य संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्डों का वितरण एक बड़ी उपलब्धि है। राय ने इस दौरान इन बलों के सभी प्रमुखों से कहा कि वो सुनिश्चित करें कि हर जवान को बिना किसी समस्या के इस योजना का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 23 जनवरी को गुवाहाटी के CRPF ग्रुप केंद्र से ही सभी CAPF कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ देने की योजना की शुरुआत की थी। अब मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थी CAPF या फिर सरकार के स्वामित्व वाली सुविधाओं में मुफ्त में चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं। CAPF या फिर सरकारी स्वामित्व वाली सुविधाएं लाभार्थियों को CGHS और PMJAY पैनल में शामिल निजी अस्पताल में मिल सकेंगी। वहां वो CGHS या फिर CAPF पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी कैशलेस OPD और IPD उपचार का लाभ उठा सकते हैं। यह है पहल CAPF जवानों और उनके परिजनों द्वारा NHA के IT प्लेटफॉर्म पर पेपरलेस सेवा में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की मैनुअल प्रक्रिया से बचाने में मदद करेगी। आयुष्मान भारत और CAPF के बीच यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें असम राइफल्स, BSF, SSB, CRPF और CISF के अलावा NSG और ITBP के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिजनों को कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि CAPF के जवानों को लगभग 35 लाख से ज़्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिसके तहत जवान और उनके परिजन 24,000 से अधिक अस्पतालों में अपना कैशलेस उपचार करा सकेंगे। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।